हम सबके मन में दुबई का नाम सुनके ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग और लाइटों से सजी हुई रोड सामने आती है। अगर आप भी भविष्य को देखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक करा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन परवाल और यूरेनियम फैक्ट्स के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में दुबई कैसा दिखेगा। जी हाँ, म्यूजियम में आपको सारे फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखेगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। इस बिल्डिंग को दुबई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद सबके सामने घोषणा की कि वो एक भविष्य का संग्रहालय बना रहे हैं और जो दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजियम होगा। और उस दिन तारीख थी 4 मार्च 2015। फिर 7 फरवरी 2016 को शेख मोहम्मद ने दुबई फ्यूचर फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का मकसद ये है कि दुबई की सारी बिल्डिंग को और अच्छा और खूबसूरत बनाने में ये फाउंडेशन उनकी मदद करता है। फिर 10 फरवरी 2017 को और 9 फरवरी 2018 को टेम्परेली खोला गया था म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। फिर आखिरकार वो दिन आ गया 22 फरवरी 2022, जब म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर पूरा बनकर तैयार हो गया था। उद्घाटन समारोह में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने शाम 7 बजे ओपन किया था। इस म्यूजियम के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है वो अरबी लैंग्वेज है और उसमें एक पोयम लिखी है कि हम सैकड़ों वर्षों तक नहीं जिएंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सैकड़ों वर्षों तक चलेगा। भविष्य उनके लिए है जो इसी कल्पना, डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम होंगे। भविष्य इंतजार नहीं करता है, भविष्य को आज डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है। जीवन के नवीनीकरण, सभ्यता के विकास और मानवता की प्रगति का रहस्य एक शब्द में है, नवचार। और इस पोयम को लिखा है अमीराती कलाकार मटर बिन लाहेज ने। सिर्फ बाहर की तरफ ये लैंग्वेज लिखने में ही 18 महीने का कीमती समय लग चुका था। इस म्यूजियम की टिकट पर पर्सन 2,985 रुपए की है और 3 साल से नीचे के बच्चों के लिए फ्री है। इस म्यूजियम के अंदर टोटल 7 फ्लोर्स है। चलिए अब हम आपको इन 7 फ्लोर्स की खासियत बताते हैं। जैसे ही आप इंटर करोगे, सबसे पहले आपको टिकट खरीदना होगा। उसके बाद जो वर्ड आपको बाहर से दिख रहे हैं वही अंदर भी 3D में दिखेंगे, और भी जैसे फ्लाइंग कार, ऑटोमेटिक कैप्सूल्स, फ्लाइंग सूट, साइबर डॉग, यानी 1,000 से भी ज्यादा रोबोटिक गैजेट्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे ही दिखे जाएंगे। उसके बाद एक स्पेस रूम भी है जिसके अंदर आपको 2071 में दुबई कैसे दिखेगा वो दिखाएंगे। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसके अंदर एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्क्रीन लगी हुई है और देखने में ऐसा लगता है कि आप भी इस जंगल में ही खड़े हैं। इसके अलावा एक रूम ऐसा भी है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के जितने भी जीव है उनके DNA यहाँ पर रखे हैं। वो इसलिए कि 2071 में कभी ये सब ना रहे तो आप म्यूजियम में आकर इन सबको देख सकते हैं। और भी बहुत सी छोटी छोटी एडवांस चीजें यहाँ पर है जो आप खुद जाकर ही देख पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।